सो हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कैसे आप फ्री में होस्टिंग ले सकते हैं और अपने वेबसाइट को लाइव कर पाएंगे। एज ए बिगिनर आपके पास बजट का इशू रहता होगा, तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसा वीडियो लाया जा सके जिसमें आप अपने वेबसाइट को फ्री में होस्ट कर, चाहे आप कस्टम कोडिंग यूज करें या फिर वर्डप्रेस वेबसाइट यूज करें, दोनों आप इसमें इजिली होस्ट कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में मैं जो वेबसाइट बताने वाला हूँ वो है इन्फिनिटी फ्री, जो कि होस्टिंगर का एक प्रोडक्ट है। तो सबसे पहले इन्फिनिटी फ्री में आप आओगे तो यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आएगा, लॉगिन या फिर साइन अप। तो अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे विजिट करेंगे तो आपको साइन अप करना पड़ेगा। तो जैसे साइन अप पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी चूज करेंगे। तो सपोज के लिए मैं अपना ईमेल आईडी पासवर्ड डाल देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डालना होगा, उसके बाद पासवर्ड, देन कंफर्म पासवर्ड, उसके बाद चेक पे क्लिक करना है, उसके बाद देन साइन अप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका ईमेल आईडी बन जाएगा। तो आपके ईमेल अकाउंट में एक वेरिफिकेशन मेल जाएगा, तो जिसे आपको वेरीफाई कर लेना है। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ ईमेल पे, तो देख सकते हो गाइस ईमेल में कुछ इस टाइप का वेरिफिकेशन लिंक आएगा, तो यहाँ पे सिंपली क्लिक करके आपको वेरीफाई कर लेना है। तो गाइज, जैसे ही आप अपना अकाउंट वेरीफाई करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखने लगेगा। तो यहाँ पे मैंने पहले ही एक डोमेन क्रिएट कर रखा था, तो आपके सामने यहाँ पे क्रिएट नाउ का ऑप्शन आएगा, आप चाहे तो यहाँ से भी क्रिएट कर पाएंगे। तो जैसे मैं क्रिएट नाउ के बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास चूज होस्टिंग प्लान का ऑप्शन आएगा। तो मैं इस वीडियो में आपको फ्री होस्टिंग लेके दिखाऊंगा, तो आपको यहाँ पे इन्फिनिटी फ्री वाले जो $0 का सेक्शन है उसके जाके क्रिएट नाउ का ऑप्शन क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे आने के बाद आपको डोमेन चूज करना होगा। तो गाइस ये एक फ्री वेबसाइट है, तो यहाँ पे आपको सब डोमेन लेना होगा। कस्टम डोमेन के लिए आपको पेमेंट किया जा सकता है, तो मैं कहूँगा कि आप यहाँ पे फ्री डोमेन का ही यूज करें। तो आपको कोई सभी डोमेन चूज कर लेना, ब्लॉग फॉर मी आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई इसमें इशू नहीं है। और यहाँ पे आपको कोई सा भी जो भी आपको पसंद आता है वो आप यहाँ पे ले सकते हो। तो मैं free.nf चेक करूँगा। अब यहाँ पे चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक करना होगा, तो अगर आपका मिल जाता है तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का सेक्शन आएगा। तो यहाँ पे आपको अकाउंट यूजर नेम जो ऑटोमेटिकली जनरेट होगा, और पासवर्ड यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है, तो मैं उसे बाय डिफॉल्ट ही रहने दूंगा। उसके बाद क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अकाउंट क्रिएट होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो सी पैनल का ऑप्शन दिया जा रहा है, तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन आप पढ़ सकते हो। इट विल टेक अ फ्यू मिनट फॉर योर अकाउंट इट सेटअप लॉगिन कंट्रोल पैनल, इट कैन टेक अप टू 72 hours फॉर द न्यू डोमेन टू बी विजिबल ड्यू टू DNS चेंजिंग। तो यहाँ पे आपके वेबसाइट में 72 hours लगते हैं मिनिमम आपका वेबसाइट लाइव होने में। तो प्लीज लॉग इन टू द कंट्रोल पैनल ओएस इनेबल ऑल फीचर। तो उसके बाद बाकी चीजें आप पढ़ सकते हो, तो मैं सिंपली ओपन कंट्रोल पैनल पे क्लिक करूंगा। तो जैसे कंट्रोल पैनल को क्लिक करूंगा, यहाँ पे आपको आई अप्रूव पे क्लिक कर देना है। तो आई अप्रूव पे क्लिक करने के बाद ये आपको कंट्रोल पैनल के अंदर ले जाएगा। तो देख सकते हो कुछ ऐसा आपका कंट्रोल पैनल रहता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करना सीखेंगे। तो यहाँ पे ये जो सॉफ्टवेयर का सेक्शन है नीचे, जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर का सेक्शन दिखेगा। यहाँ पे आप सबटेकुलस एप्स इंस्टॉलर पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो आपके सामने एक नया डैशबोर्ड दिखने लगेगा, जहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म यूज कर पाएंगे, जैसे वर्डप्रेस, जूमला। तो मुझे सिंपली वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, तो मैं इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करूंगा। तो जैसे मैं इंस्टॉल करूंगा, यहाँ पे आपका जो डोमेन है वो दिख जाएगा, और यहाँ पे आपको कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप चाहे तो अपना साइट नेम डाल सकते हो। साइट नेम क्या डालेंगे, मैं डाल देता हूँ ब्लॉग फॉर यहाँ पे सिंपली लिख देंगे ब्लॉग, और यहाँ पे लिख देंगे ब्लॉग फॉर एवरीवन, ब्लॉग फॉर मी डाल देंगे। तो आपका ये साइट नेम और साइट डिस्क्रिप्शन बन गया, और यहाँ पे आप यूजर नेम डालना चाहे तो डालेंगे, मैं एडमिन डालूंगा, और पासवर्ड चाहे तो आप चेंज कर पाएंगे।
और उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना है। तो जैसे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दोगे तो ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखते हैं कितना टाइम ये लेता है। तो देख सकते हो आपका वेबसाइट सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशन, द सॉफ्टवेयर वॉज इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली। तो उसके बाद सिंपली आपको रिटर्न टू वर्डप्रेस मैनेजर पे क्लिक करना है, मैनेजमेंट। अब इसके बाद आपका साइट कुछ इस टाइप का दिखेगा, जो कि यहाँ पे भी दिखने लगेगा। तो वेट कर लेते हैं। इसको होने देते हैं। तो अभी आपका वेबसाइट कुछ इस टाइप का दिखेगा। तो इसको हम लाइव पे जाके ओपन करके देखते हैं एक बार। तो यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपका वर्डप्रेस यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा, जो कि वर्डप्रेस का डैशबोर्ड रहता है। तो फटाफट ओपन होने देते हैं। एक्चुअली गाइस ये अभी ओपन नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें पहले ही दिखा दिया था कि 72 का आवर्स लग सकता है। तब भी मैं एक बार होस्टिंग अकाउंट जा कर दिखाता हूँ। तो यहाँ पे सबको बैक करते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पे आपको होम पे क्लिक करना होगा। तो होम पे क्लिक करने के बाद ये देख सकते हो जो मेरा पहले से बना हुआ था, अभी जो बनाया वो सेकेंड वाला है। तो यहाँ से भी आप इसको क्लिक करके यहाँ पे जाके आप इसको सपोज यहाँ पे जाके आप इसको पेस्ट कर देंगे। तो जैसे पेस्ट करेंगे तो ये कुछ इस टाइप का दिखेगा, मैं देखता हूँ। तो गाइज आपको यहाँ पे 72 आवर्स का वेट करना होगा, तब जाके आपका डोमेन आपके होस्टिंग के साथ कनेक्ट कर पाएगा। उसके बाद आप इस पे वर्डप्रेस पे काम कर सकते हो, वर्डप्रेस का डैशबोर्ड इसमें ओपन कर सकते हो। तो गाइस आफ्टर 72 आवर्स मैं आपको एक बार चेक करके दिखा देता हूँ, आपका वेबसाइट ओपन हो चुका होगा। तो सबसे पहले लिंक को हम क्लिक कॉपी करेंगे और देन नए टैब में इसको ओपन करके देखता हूँ। तो जैसे मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। ठीक, तो मैं आपको वर्डप्रेस का डैशबोर्ड लॉग इन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप लॉग इन कर लेना। तो यहाँ पे ये आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है, जो कि वर्डप्रेस का कंप्लीट डैशबोर्ड है। अगर आप चाहे तो इसके थ्रू आप वेबसाइट बना सकते हैं, और बाकी मैं ट्यूटोरियल के थ्रू समझाऊंगा कैसे आप वर्डप्रेस में वेबसाइट बना पाएंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर कोई सा भी डाउट आपके मन में है तो आप कमेंट जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।